हो गया है, बचा लिएगा। कुछ खास कस्टमरों के लिए हम रखे हैं। अब ये झाड़ देखिए, शायद ऐसा झाड़ देखने को भी ना मिले, दिखाएगा थोड़ा पास ऐसे रखिए। सेवन स्टार झाड़ू, और ये कितना सॉलिड है, मतलब निकलने का कोई चांस ही नहीं थी। यहाँ सब अलग अलग, और ये बहुत सारे झाड़ू कलेक्शन इधर बहुत सारा लगा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। अब आपको नीचे तो दिखाई है जी जी, ये पंजा फाइव स्टार है, ये फाइव स्टार है। अच्छा भाई, सारा पूरे से झाड़ू का एक से एक मिलेगा। पायलट देखिए, यहाँ पर देखिए घास का वजन दे दिया, लंबाई दे दिया, फिर देखिए जो भी झाड़ू का नाम यहाँ पे लिख दिया है, देखो रोज गजरा जरा जो भी होता होगा। हेलो, इस तरीके से बहुत सीख वाली झाड़ू से नैनो स्मार्ट पोर्ट करके दिया है, 80 का वजन 350 ग्राम। अब आएंगे तो सारी जानकारी उपयोग करके मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में आपका, दोस्त नंदलाल गुप्ता। दोस्तों आज मैं फिर से आ गए गोरखपुर में, और जो आपको ये रोड दिखाई दे रहा है ये ट्रांसपोर्ट नगर से होते हुए लाल डिग्गी की तरफ जाता है। प्रॉपर एड्रेस की बात करें ताकिया घाट शिव मंदिर के पास, और हाबड़ बंध बंधा है बसंतपुर गोरखपुर। आप देख पा रहे हो, मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करूँगा तो सागर गृह उद्योग करके है, और यहाँ पे झाड़ों का बहुत सारा कलेक्शन आपको बनाते हैं लोग। देख पा रहे बहुत सारी वैरायटी लिखी गई है, और तीन मुहा गोला झाड़ू करके, घास का वजन इतना है, लंबाई 50 इंच, देखिए घास का वजन इतना है, सबका अलग अलग कोड दे रखी है वो। और देखिए जो सागर गृह उद्योग है, ये पूरे पूर्वांचल की बात करें काफ़ी फेमस शॉप है, और यहाँ से जुड़कर आप अच्छा खासा बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर आपको काम की तलाश है, काम करना चाहते हैं, तो कई लोग यहाँ पर काम करते हैं, वहाँ पे आपको पीस के हिसाब से रेट मिलता है, जितना आप काम करें उसके हिसाब से आपको पीस के रेट मिलने वाला है। और इसके अलावा आपको बताते चलूँ, अगर आपको कच्चा माल चाहिए, मान लीजिए कहीं ले जाकर अपना खुद का झाड़ू बनाना चाहते हैं, देखिए झाड़ू से संबंधित कच्चा माल भी उपलब्ध यहाँ दिखाई दे रहा है। तो सारी चीज़ें मैं पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते, फाइनली मैं एक ऑनर के पास आ गया हूँ। चलिए सब बातचीत की पूरी जानकारी लेंगे कि ये किस तरीके से अपना बिजनेस को कोई स्टार्ट करेगा, कैसे कर सकता है। ऑलरेडी मुझे पता चले कच्चा माल भी देते हैं, और प्लस ये काफ़ी अच्छे इन्होंने बैनर लगा रखा था कि मकई वाला झाड़ू, डायमंड कोन के झाड़ू, मतलब दो मुँह चपटा झाड़ू, मतलब बहुत सारी वैरायटी है, और पाइप झाड़ू, मतलब सभी का मैं बारी बारी पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूँगा। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, कैसे हैं? बस बहुत अच्छे हैं। अच्छा, और जैसा मैं चाहूँगा थोड़ा प्रॉपर एक बार एड्रेस बताइएगा सर। बसंतपुर तकिया घाट, बसंतपुर गोरखपुर। अच्छा, गोरखपुर। और झाड़ू का काफ़ी वैरायटी आपने बढ़ा दिया मुझे देखने से लग रहा है, तो इसमें कौन कौन सी वैरायटी थोड़ा सा एक्सप्लेन इसको कीजिए। वैरायटी तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है हम जी जी। वैरायटी इस वक्त मेरे पास 50 वैरायटी थी, लेकिन यहाँ के मोनोपोली इतनी अच्छी नहीं है जितना हम सोच रखे थे। अच्छा अच्छा। सबको सस्ता झाड़ू चाहिए, सस्ता चलता है 1 महीना 1.5 महीना, और अच्छा झाड़ू चलता है 6 महीना 8 महीना। अच्छा अच्छा। तो किसी को महंगा नहीं चाहिए, सस्ता चाहिए। अच्छा। बेचने वाले भी वही ढूंढते हैं, सस्ता पाए सस्ता बेचे, जबकि अगर थोड़ा सा उठ जाए ऊपर, जैसे 50 रुपये से जो ले जाते हैं हमसे, वो 60-70 में बेचते हैं, अगर 60-70 की जगह वो 80-90 के ले जाएँ, 100 रुपये का झाड़ू ले जाएँ, और बड़े आराम से 150 रुपये में बेच सकते हैं। 150 रुपये बिकता भी हो, ब्रांड के झाड़ू आते हैं 199-210 रुपये प्रिंट है। अच्छा। उसके हिसाब से मेरा अगर देखा जाए तो 95 बहुत सस्ता पड़ रहा है। अच्छा। 95 रुपये का थोक रेट है। अच्छा। सैकड़ा, हाँ 9500 रुपये सैकड़ा है। अच्छा। अब वो जब ले जाता है अगर 150 रुपये बेचे तो 55 रुपये पा भी गया, और जिस कस्टमर को दिए वो कस्टमर कम से कम 6 महीना सुखी रहेगा, 8 महीना। अच्छा। तो 150 रुपये का भी ले गया तो 6 महीना 8 महीना सुखी रहेगा, और अगर यदि वही 50-60 रुपये का झाड़ू ले गया तो मुश्किल से 15 से 20 दिन या 1 महीना। दिवाली के समय जो बना झाड़ू होता है वो सही नहीं होता है। अच्छा। इस बंदे पे जितना लोग बनाने वाले हैं सब के सब भीगा बांस इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वो ज़्यादा दिन चलता नहीं है ना। अच्छा, अब बरसात के बाद भीगा ही बांस आता है, अभी बरसात हो रही थी, सूखा है नहीं, तो भीगा बांस लगाएंगे निश्चित रूप से गैस बना के पानी निकलेगा, वो घास का दुश्मन है वो। एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, से कुछ होंगे बहुत गरीब तबके के लोग होंगे, मान लीजिए कि काम करना बिल्कुल अक्सर रोजगारी तो जान रहे कितना बेकार कंडीशन हो गई है, तो अगर मान लीजिए आपके यहाँ अगर काम करना चाहते हैं तो क्या आप काम दे देंगे ना? नहीं, काम तो मान लीजिए हमारे करीब का होगा तो संभव है। अच्छा। लेकिन बहुत दूर का है तो संभव नहीं, पॉसिबल नहीं है। हाँ, जो रूम लेकर आता तो वो रूम लेकर रह नहीं पाते हैं, लोग आते हैं लेकिन अब उनको रूम की व्यवस्था हम कहाँ से करें। नहीं, आपने वो खुद करे तो? अपने खुद करे तो आए अपना 10-15 दिन 1 महीना समय दे। हाँ। सीखे भी है, थोड़ा चाहते हैं लोग कि हमको कुछ दे भी, कहाँ से देंगे। अपने काम करके कितना महीने का कमा लेगा अप्रोक्सीमेटली, अगर फीस रेट पर अगर शुरू से वो सीखेगा, पहले उसको प्रॉपर काम बना काम करने आएगा, 6 महीना लगेगा, उसके बाद ही संभव है। उसके बाद फिर कितना कुछ, और उसके बाद कम से कम 400-300 रुपये काम कर ही लेगा, मतलब 10-15 हज़ार का आराम से महीने का कमा सकता है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ जो झाड़ू का कच्चा माल भी देना चालू कर दें बाकी लोगों को। हाँ, देते हैं। दोस्तों जो लोग झाड़ू का अलग अलग बिजनेस करना चाहते हैं वो लोग यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जा कर ले सकते हैं, लेकिन सुबह जानते हैं। हाँ। रात में 12 बजे फोन करते हैं लोग। नहीं भैया, टाइम की अगर बात करें तो 10 बजे से लेकर के करीब शाम को 6 बजे, 5 से 6 बजे तक फोन कीजिए। अभी कोई टाइम 11 बजे 12 बजे कोई टाइम थोड़ी ना फोन करें, क्योंकि सबका अपना अपना पर्सनल लाइफ होता है, उनके अपने तरीके से जीना है। तब 11 बजे करें समझ सकते कितना डिस्टर्बेंस अलग होगा, पता नहीं सोया है कि कहीं फील्ड में कहीं क्या कर रहा, कौन जानता है यहाँ पर।
तो एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा थोड़ा सा हमारे व्यूअर को पूरा दिखाइए बायोडाटा कैसे कैसे झाड़ू क्या है, क्या सिस्टम होने वाला है। हां देखिए मैंने कैटलॉग बनवाया है। अच्छा कैटलॉग बनवा दिए, देख पा रहे पीडीएफ से मैं कैटलॉग आपको दिखा रहा हूँ। सर थोड़ा कैमरे को पास लाइएगा, सबको पढ़ूंगा ना क्योंकि वीडियो काफी लंबा है। इस तरीके से कैटलॉग बहुत सारा कुछ झाड़ू का एक से एक मिलेगा। ऑलरेडी यहाँ पे देखिए घास का वजन दे दिया, लंबाई दे दिया, फिर देखिए जो भी झाड़ू का नाम यहाँ पे लिख दिया है, देखिए रोज गजरा जरा जो भी होता होगा। इस तरीके से बहुत सीख वाली झाड़ू से नैनो स्मार्ट कोड करके दिया है, 80 का वजन 350 ग्राम। अब आएंगे तो सारी जानकारी ओके करके अंदर मैं चल रहा हूँ। इधर झाड़ू कलेक्शन बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा और जगह की इतनी प्रॉब्लम है, काफी शक्कर ही है और चलने में काफी दिक्कत हो रही है, लेकिन हाँ ये बिजनेस काफी दमदार है, आराम से कम पैसे में स्टार्ट होने वाला है और काम करना चाहता आराम से कर सकते हैं आप लोग। देख पा इधर बहुत सारे झाड़ू का कलेक्शन आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, और शीक है कुछ बांस के और छड़ी जो भी हैं, अभी बहुत सारे देखिए इस तरीके कलेक्शन देखेंगे। थोड़ा सा इस सब के बारे में थोड़ा डिटेल बताइएगा सर। यदि भाई सब झाड़ू बना रहे हैं भैया, थोड़ा सा प्रोसेस बताइएगा अभी क्या, ये कितना ग्राम रहता है? ये आपका 250 ग्राम 250 ग्राम रहता है, ठीक है। उसके बाद अच्छा आप लोग वजन करते हैं इस पर? हाँ वजन करते हैं। उसके बाद ये कौन सी तिल्ली है, बांस की? क्या है ये? बांस की तिल्ली है। अच्छा कितना डालते हैं इसको, कुछ आइडिया? गिना ने 4-5 डाला, 4-5 मतलब एवरेज में डाल देते हैं, ठीक है। थोड़ा दिखाइएगा हमारे व्यूअर की झाड़ू कैसे बनती है। और यहाँ पीस रेट पे काम करते हैं आप? पर डे कितना कमा लेते होंगे राउंड फिगर? कुछ ज्यादा नहीं, 250-300 रुपए 300 यानी कि 9-10 हजार 7-8-10 हजार मंथ। इस तरीके से देखेंगे भाई साहब झाड़ू बना रहे, मैं एक पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा। और सर थोड़ा पास से देखे कैमरे को, देखिए भाई इन्होंने जो छड़ी थी बांस की उसको अंदर रख लिया और बीच साइड साइड से ये अपना ये जो, अच्छा किसका ये रहता है? ये घास उगाया जाता है, आसाम से आता है। आसाम से आता है ये जो घास, आपको आसाम से मिलेगा देखने को। और इस तरीके से रखेंगे, अब ये अगला प्रोसेस क्या देखें मैं दिखाऊंगा, देखेंगे। घास इन्होंने ले लिया पूरा, उसमें बांस की छड़ी था लगा लिया 5-6, और इस तरीके से प्लास्टिक का ये आइटम कुछ इसको रखते हैं। अच्छा भैया एक झाड़ू बनाने में कितना मिलता है आपको? 2.5 रुपये। एक झाड़ू बनाएंगे तो करीब 2.5 रुपये पाएंगे, मुझे लगता है दिन भर में 100-150 बनाते होंगे आप करीब आराम से। अगर लोकल में रहें तो आप यहाँ पर अगर आके काम भी कर सकते हैं। और जो ये रॉ मटेरियल आपको दिखाई दे, अगर झाड़ू का बिजनेस कर रहे हैं मटेरियल चाहिए तो यहाँ से मटेरियल भी अवेलेबल हो जाता है। इस तरीके से मैं पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी देखिए एक झाड़ू बना रहे हैं भाई साहब, उसे प्रेस कर, हो गया क्या? कुछ बाकी नहीं हो गया सर, बन गया। तो दोस्तों देख सकते हैं ये झाड़ू आपका बन के रेडी हो गया। और ये बिकता कितना में? अब ये तो बताएंगे, अब जो यहाँ के ऑनर हैं बताएंगे कितने का बिकता है। बाकी देख पा रहे हैं बहुत सारे झाड़ू इधर पड़े हुए हैं, और यहाँ पे मैं दिखाऊंगा तो इधर कलरफुल काफी, देखिए येलो हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया, ग्रीन, मतलब बहुत सारे कलरफुल आपको झाड़ू देखने को मिल जाएगा। प्लस प्लास्टिक के सारे जो मटेरियल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ज़्यादा कुछ इधर देखिए कुछ एक अलग तरीके से झाड़ू देखने को मिल रही है। और ये घास जो भी बता रहे हैं जैसा कि लोग आसाम से आता है, सबका साइज अलग अलग रहता है। बहुत सारे झाड़ू यहाँ पे हैं। और सर थोड़ा सा झाड़ू को दिखाते चलिए और इनके बारे में बताते चलिए। ये कौन सा झाड़ू है? तो तीन मुहा छत्ता है जूनियर। तीन मुहा देखेंगे यहाँ पर, तीन मुहा मतलब क्या देखें, 3-1-2-3 यही ना सर? और ये घास किस चीज का होता है? ये घास आसाम है, आसाम के। किस चीज का होता है ये? एक बेसिकली एक गड्ढा होता है नरकट, उसी की तरह से वो एक वहाँ दूसरी प्रजाति होती है। अच्छा प्रजाति होती है, हर जगह का अलग अलग होता है। इसका होलसेल प्राइस क्या होगा? अभी इसका होलसेल प्राइस जो बताना, होलसेल में हमारे पास सबसे कम से कम 50 रुपये रेट है, शुरुआत होती है ना, 50 रुपये शुरू होता है और 105 रुपये तक का। 105 तक का, देखिए ऑलरेडी सबका रेट हम लोग ऐसे नहीं शो कर, क्योंकि कुछ रिटेल या लोकल के कस्टमर है तो यहाँ दिक्कत हो सकती है। बाकी आप आएंगे देखिए ये तीन मुहा कितना, 5-4 5 स्टार या 5 मुहा झाड़ू है। और इस तरीके से देखेंगे आप, ऐसे दिखा दे चलिए। अब ये देखिए 2 स्टेप पहले ऐसे नहीं मिलते एक्चुअली, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आप देखिए बिल्कुल चेंज होकर मिल रही है। लो कटेगी सर। अब ये देखिए पाइप गजरा क्या लगता है? अच्छा ये देखिए इससे क्या नाम है? पाइप गजरा। पाइप गजरा पाइप है, ये गजरा बना हुआ है। अच्छा पाइप ये है, गजरा झाड़ू, पाइप गजरा झाड़ू, ठीक है। आगे देखो जर्नल में देखिए बहुत सारे झाड़ू हैं, रूप गजरा बताए थे, ये पेंसिल पाइप है, लंबाई खूब होगी आप देखिए, लंबाई मतलब 4 फुट नहीं पड़ेगा, झुकना नहीं पड़ेगा। अब देखिए एकदम पूरा 53 इंच का है ये झाड़ू। और ये कौन झाड़ू है?
उसका नाम है पेंसिल पाइप। पेंसिल पाइप है, देखिए कुछ पेंसिल जैसा कुछ इसका होगा। और ये सब कौन झाड़ू है? ये है बाकी बिहारी, ये सिलचर के घास का बना हुआ है। और ये जल्दी खराब नहीं होता है, घास जल्दी खराब नहीं होता, जल्दी खराब नहीं, सालों साल चलता रहेगा। ये थोड़ा पतला भी लग रहा है इसका, पतला बहुत महीने है, बहुत महीने सिलचर घास है, ये सिलचर घास जिसे बोलते हैं, बारीक घास, सबसे अच्छी घास होती है, सबसे अच्छी घास होती है ना। देखिए ऑलरेडी पैकिंग काफी जबरदस्त तरीके से लोग की है। फिर से मैं बताना चाहूंगा, अगर घास चाहिए आपको यहाँ से, अगर मैन्युफैक्चरिंग खुद करें, घास चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, पैकिंग को भी रॉ मटेरियल चाहिए, यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। बाकी सर आगे दिखाते चलिए। देखिए जनरल ये झाड़ू बनाते हैं, खत्म हो गया, मेरे पास इंड हो गया एकदम, बिल्कुल नहीं है। अच्छा। 100 बंडल थे, 100 बंडल बहुत सॉलिड है, लेकिन बहुत सॉलिड, हल्का भी बनाया गया, लंबा भी दिया गया। हाँ ठीक है, बहुत सारी चीजें एक एक करके मैं दिखा रहा हूँ, और रेट तो शो करना पॉसिबल लेगा। और ये कौन सी झाड़ू है? ये डंडा झाड़ू है, मतलब बड़ा एरिया हो, डंडा झाड़ू है झाड़ने के लिए। अच्छा अच्छा, मान लीजिए कोई बिजनेस अगर स्टार्ट कर सकता है तो कितने में करेगा? देखिए अगर छोटा बहुत छोटा थोड़ा मोड़ा करना चाहता है तो 50,000 से शुरू कर, 50,000 से शुरू कर सकता है। लेकिन अगर लंबा पैमाने पर करना चाहता है तो अच्छा पैसा उसको लगाना। और महीने का कितना कमा सकते, कुछ आइडिया? अगर 50,000 रुपया लगा डेली मेहनत करे वो, तो मान के चलिए कि उसके लिए 500,000 रुपया कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मतलब नॉर्मल एक तरीके से जो सैलरी होती है सबकी कमा सकते हैं आराम से। और ये बहुत सारे झाड़ियों कलेक्शन इधर बहुत सारा लगा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। अब आपको नीचे तो दिखाई है जी जी, ये 5 स्टार है, ये 5 स्टार है। अच्छा वही सब झाड़ू है क्या? 5 स्टार नहीं, 5 स्टार ही नहीं है, बहुत है इसमें। अच्छा इसमें झाड़ू बहुत ज़्यादा, 5 स्टार 7 स्टार सब, 5 स्टार 2 स्टार 7 स्टार सब स्टार ही है यहाँ पर, देख लीजिए आप लोग। ये जो है झाड़ू यहाँ कोई बनाने वाला नहीं था, वाकई में यहाँ बहुत जबरदस्त झाड़ू है एकदम, और सॉलिड भी काफी एकदम, देखिए कितना खूबसूरत है, खुले का कोई चांस भी नहीं दिख रहा, कितना सॉलिड है, मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ये 5 रुपये झाड़ू, बाकी रेट तो शो करना सर ने मना कर दिया, लोकल के कस्टमर हैं और दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम लोग रेट नहीं शो करेंगे। बाकी ज़्यादा कुछ मैं टाइम नहीं करूँगी, वीडियो काफ़ी लंबा तो देखने में काफ़ी आप लोग को दिक्कत, मैं समझ सकता हूँ उस चीज़ को। लेकिन ये बिजनेस छोटा सा अगर आप अपने घर पे बनाना चाहते बना सकते हैं, क्योंकि मतलब सीधे आपको यहाँ गोरखपुर में मिलने वाला है, और बाकी जो भाई दूर के हैं तो अपना ट्रांसपोर्ट वाले सारे सिस्टम यहाँ पर अवेलेबल करा दीजिएगा। देखिए सबसे हैवी झाड़ू जो हमारा सबसे हैवी झाड़ू था ये है। अच्छा ये कुछ खत्म हो गया है, निकालिएगा, ये कुछ खास कस्टमरों के लिए हम रखे हैं। अब ये झाड़ू देखिए, शायद ऐसा झाड़ू देखने को भी ना मिले, दिखाई थोड़ा पास से ऐसे रखिए, 7 स्टार झाड़ू, और देखिए कितना सॉलिड है, मतलब निकलने का कोई चांस ही नहीं थी, यहाँ सब अलग अलग लगा करके फिर बंधा हुआ है। इस तरीके से बहुत सारे आपको मिल जाएगा। बाकी ये झाड़ू छोटा सा बिजनेस है, दमदार बिजनेस है, कर सकते हैं, मटेरियल आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अगर आप यहाँ पर आके काम करना चाहते हैं लोकल के, तो काम भी कर सकते हैं, 1,500 आपको बन जाएगा जैसे पीस रेट पे आप काम करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में।